खबर आगरा से है। शमशाबाद थाना पुलिस पर पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। इस मामले में शुक्रवार को पीड़ित डीसीपी पूर्व से मिले। जीवन लाल निवासी शमशाबाद का कहना है कि पिछले साल गांव के ही दबंग लोगों ने गोपाल, गीतम, गिरिराज, हरीश, मनोज ने पुरानी रंजिश के चलते बेटे को घर के बाहर घेर लिया और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और घर में घुस गए व परिजनों को भी पीटा और छोटे भाई की गर्भवती बहू के पेट में लात मारकर उसके साथ बदसलूकी की। पीड़ित का आरोप है कि वह जब दबंगों पर कार्रवाई की मांग करता है तो उसकी सुनवाई नहीं की जाती है। कई महीनों तक थक कर उन्होंने कोर्ट की शरण की। कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया गया लेकिन आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। जीवनलाल का कहना है कि कार्रवाई ना होने से आरोपी बेखौफ हो गए हैं और मुकदमा वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। डीसीपी पूर्व द्वारा पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित को इंसाफ कब तक मिल पाएगा। जीवनलाल सर शमशाबाद से आए, मामले को लेकर आप अधिकारी से मिले? नहीं, इस मामले को लेकर मिले सर। हमने पहले झगड़ा हमारा हुआ था सवा साल पहले, हमने रिपोर्ट मान लिखवाई थी, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी विकास ने, दुर्गा जी ने, और ताके बाद में हमने 56-3 से केस डाला है अपना। केस डालने के बाद में अब मुकदमा लग गया पहले महीने 29 तारीख को। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं है, ऐसा कोई मैंने अधिकारी नहीं छोड़ा है, ताकि अधिकारी के पास नहीं गया हूँ। अभी कोई रजिस्टिंग नहीं हुई है, मैं नखलव तक डोला आया हमें। आरोपी आपको धमकी दे रहे हैं? आरोपी इतनी धमकी दे रहे हैं कि अगर या तो मुकदमा को वापस ले लो हम तुमको जान से मार देंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं है रही है। कौन से थाने का मैटर है? मैटर शमशाबाद थाने का मैटर है। अच्छा, वहाँ पे नहीं सुन रहे थाने? वहाँ पे कोई सुनने नहीं है, मैं शमशाबाद थाने का मैटर है, लेरापुरा नंबर का 2 के रहने वाला हूँ। अधिकारी ने आपसे क्या कहा? अभी ने आप सर यही कह दिए कि तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बार मैं पहले भी आया तो कह दिए काम हो जाएगा, फिर आज कह दिए कि काम हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है मेरा। किस मामले को लेकर अधिकारी से मिलने आए आप? क्या बात हुई आपके साथ? क्योंकि बहुत पुरानी इनकी लड़ाई होगी, मुझे तो खैर मालूम नहीं है। मेरी तो शादी हुई थी, 3 महीने शादी हुई, चौथी शादी कर ली है। क्योंकि मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मुझे नहीं मालूम किस बात के चक्कर में लड़ाई हुई थी इन लोगों में। क्योंकि मेरे जेठ को ये मार रहे थे, मैं आई इनको घर में से आवाज़ सुनकर निकल के आई तो मैंने इनको बचाया। बीच बचाव करने के चक्कर में मुझे इसने गीतम ने मुझ में लात मारी थी, पेट पर लात मार के मेरे ब्लाउज फाड़ के धक्का जमीन पर दे के इनको खींच के गांव में खींच के ले गए थे। उसके बाद में मुझे नहीं मालूम इनमें लड़ाई हो गई थी। आज पुलिस से मिलने आए आप? अधिकारी से? अधिकारी से मिलने आए? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही।